हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस पेपर किसी भी यूनिवर्सिटी में तैयार कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है हमारे पास 11-2। द नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यू प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, 0, 1, 2 एंड 3। तो फ्रेंड्स, इसके रियल रूट कितने हो सकते हैं? अगर आप इसको सोल्व कर सकते हैं तो सोल्व कीजिए, नहीं तो ये हमारे पास सॉल्यूशन अवेलेबल है। फ्रेंड्स, ये हमारे पास फंक्शन है, इसको हम लिखते हैं एफ एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये फंक्शन हो गया। अब अगर एफ डैश एक्स देखें तो एफ डैश एक्स की बात करें तो ये हो गया हमारे पास 3x2 + 1। अब ये नंबर जो है वो एक्स की कोई भी वैल्यू हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो हो, या कोई भी नंबर हो, हमेशा नंबर के लिए ग्रेटर देन जीरो है, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है एक पॉजिटिव नंबर रहेगा हमेशा। तो ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, इंप्लाइज एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अब फिर से हमारे पास ये तो आ गया है कि एफ एक्स जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब हमें चेक करना है कि ये फंक्शन कहीं पर जीरो होता है या नहीं। अब कई लोग कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो इंक्रीजिंग फंक्शन है एक नहीं जगह तो जीरो होगा, ये जरूरी नहीं है। सपोज हमारे पास एक फंक्शन इस तरह से हो, ये फंक्शन हो, तो ये क्या हमारे पास कभी जीरो होता है? नहीं, क्योंकि एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पे भी जाएंगे हम, माइनस इन्फिनिटी पे, तो भी ये जीरो नहीं होता, और ये इंक्रीजिंग फंक्शन भी है। बेसिकली ये फंक्शन जो है ये हमारे पास ई टू द पावर माइनस एक्स, अगर एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी जाएंगे तो ये एक्स ई टू द पावर एक्स है ये फंक्शन, अगर एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी जाएंगे माइनस इन्फिनिटी तो ये हमारे पास जीरो की तरफ टेंड्स करेगा, पर जीरो होगा नहीं। तो इसी तरह इसको हम चेक करते हैं कि ये फंक्शन जीरो है या नहीं। अगर हम इफ एक्स इक्वल टू जीरो, अगर एक्स इक्वल टू जीरो लें तो उस कंडीशन में हमारे पास आएगा एफ एक्स इक्वल टू माइनस वन, यानी नेगेटिव। अब नेगेटिव है तो हमारे पास अगर कोई एक पॉइंट ऐसा मिल जाए जिसपे फंक्शन पॉजिटिव हो तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो जीरो, कोई किसी ना किसी पॉइंट पर जीरो होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास जो है जीरो एक्स बराबर जीरो आया है, जीरो पे आया नेगेटिव, तो एक्स बराबर जीरो से कुछ बड़ा नंबर, बड़े नंबर पर ही ये जीरो होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है हमेशा। तो यहां से होगा हमारे पास, अब लेट एट एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन पुट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 1 - 1 = 1, एक पॉजिटिव नंबर है। अब फिर हमने यहां से क्या, फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है, यानी हमारे पास जब माइनस वन है तो फंक्शन एक्स, जब जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू माइनस वन है, और जब एक्स बराबर वन है तो उसकी वैल्यू हमारे पास वन है, यानी कि ये फंक्शन जो है कुछ इस तरह से जा रहा है, सॉरी इस तरह से जा रहा है। तो एक हमारे पास एक पॉइंट इसमें मिल रहा है जो कि जीरो और वन के बीच में, एक्स बराबर जीरो और वन के बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा जिसपे फंक्शन जीरो होगा। सो एफ एक्स हैज ओनली वन रूट, ओनली इसलिए लिखा है, ओनली यहां पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो फंक्शन है यहां से हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो उस कंडीशन में अगर एक बार जीरो हो गए तो दोबारा ये जीरो पे नहीं आएगा, क्योंकि दोबारा जीरो पे आने का मतलब है फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। तो इस कंडीशन में हमारे पास ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो यहां से हम कहेंगे फंक्शन का ओनली एक ही रूट है। तो फिर ऐसे और क्वेश्चन के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।